नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका से पीएम मोदी का वीडियो संदेश। देश को संबोधित करते हुए पीएम बोले, योग एक विचार था जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया। साजिद मीर को आतंकी घोषित करने की राह में चीन बड़ा अड़ंगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया मुद्दा। यूनाइटेड नेशन में भारत ने कहा, 26/11 के पीड़ितों को अभी भी नहीं मिला है न्याय। अमेरिका में टेस्ला ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने की पीएम मोदी से मुलाकात। मस्क ने कहा, भारत में किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में ज्यादा संभावनाएं। खुद को बताया मोदी का फैन। योग दिवस पर दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में किया गया योग। एमपी सरकार के अधिकारी कर्मचारियों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में किया जा रहा है योग। सिक्किम में सेना के जवानों ने भी किया योगाभ्यास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया योग। योगाभ्यास से पहले सुना पीएम मोदी का संदेश। नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबोधन। बोले, योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए। पीएम के प्रयास से योग को मिली वैश्विक पहचान। योग दिवस पर बोले सीएम शिवराज, पीएम के नेतृत्व में आज पूरा विश्व योगमय। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, ये भारत का मूल मंत्र। योग दिवस पर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, सभी स्कूलों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। आज 180 देशों में किया जा रहा है योग। यम नियम आसन प्राणायाम का करना होगा पालन। योग दिवस पर बीजेपी का मेगा प्लान, एमपी के 65,000 बूथों पर किया गया योग। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने लगाए आसन। ग्वालियर में 3 जगहों पर सामूहिक योग का कार्यक्रम। कांच मिल हजीरा में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लगाया आसन। ऐतिहासिक किले पर प्रशासनिक अधिकारियों ने किया योगाभ्यास। नर्मदा के विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट पर सामूहिक योग का कार्यक्रम। सांसद कलेक्टर समेत स्कूल कॉलेज छात्र छात्राओं ने किया योगाभ्यास। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने जेल के अधिकारी कर्मचारियों और कैदियों के साथ किया योग। कहा, भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बड़ा कदम। मन की शांति के लिए योग आवश्यक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों ने किया योग। योग गुरु कृष्णकांत मिश्रा के साथ यात्रियों ने लगाया आसन। यात्रियों को दी गई योग के महत्व में जानकारी। सीधी में 2 मासूमों के साथ कुएं में कूदकर महिला ने दी जान। पुलिस ने निकाले 3 शव। सिटी कोतवाली क्षेत्र के मुड़ी के पास पसरा मातम। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर ली चुटकी। कहा, अमेरिका में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। एलन मस्क ने भी की तारीफ। आज तो कांग्रेस वालों की उड़ गई होगी चिड़िया। यूनियन सिविल कोड पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। देश में एक संविधान एक नियम होना चाहिए। समान नागरिक संहिता आवश्यक भी महत्वपूर्ण भी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के मर्चुरी में रखे शव को चूहों ने कुतरा। मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। मॉड्यूलर मर्चुरी बनाने के निर्देश जारी। इंदौर में महिला और उसके पति ने खाया जहर। महिला की मौत, पति की हालत गंभीर। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान दी थी जान देने की धमकी। इंदौर में सेंट्रल मॉल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। हादसे के वक्त मॉल में नहीं थे लोग। कोई जनहानि नहीं। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान। युवक को कुत्ता बनाकर पीटे जाने के मामले पर कहा, मानवीयता खत्म हो गई। गीता प्रेस को लेकर बोली, इससे देश को चेतना मिली। 5 दिन के अज्ञातवास के बाद बागेश्वर धाम लौटे धीरेन्द्र शास्त्री। लौटकर शास्त्री ने कहा, हमने जीवन में एक सूत्र सीखा, जब तालियां बजती हैं तो गालियां भी मिलती हैं। एमपी में बिपरजॉय तूफान का असर। भोपाल इंदौर समेत 17 जिलों में बारिश की संभावना। 27 जून को प्रदेश में एंट्री कर सकता है मॉनसून। भोपाल के रातीबड़ इलाके में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार से जा रहे बाइक सवार कुएं में गिरे। एक युवक की मौत, दूसरा घायल। इंदौर में बदमाशों ने युवक के साथ की मारपीट। बदमाशों ने युवक को पैर छूने को किया मजबूर। वीडियो वायरल होने के बाद बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मंत्री तुलसी सिलावट ने अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट में घायल को पहुंचाया अस्पताल। इंदौर से सांवेर जाते समय रास्ते में सड़क पर घायल पड़ा था युवक।
कांग्रेस विधायक बाबू सिंह टंडेल के खिलाफ ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट में चालान पेश। शोपर पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया चालान। महिला सब इंस्पेक्टर माधवी शाकू को धमकाने का मामला। छत्तीसगढ़ में होगा योग कार्यक्रम का आयोजन। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 21,000 लोगों ने एक साथ किया योग। रायपुर रिम्स हॉस्पिटल में लगी आग। गोढ़ी स्थित रिम्स के चौथे फ्लोर पर लगी आग। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के घायल होने का दावा। आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी जवान घायल। कांकेर में नक्सलियों ने की साथी की हत्या। केसेपड़ी गांव के पास मिला वर्दीधारी नक्सली का शव। पीएलजीए प्लाटून 17 नंबर का सदस्य था। योग दिवस पर रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित गुजराती स्कूल के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने किया योगाभ्यास। विश्व योग दिवस पर योगमय हुआ छत्तीसगढ़। नूतन स्कूल टिकरापारा में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिलाई महाविद्यालय में दुर्ग के भिलाई महाविद्यालय में कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने किया योग। जीवन में योग अपनाने की अपील। सिवनी में हेड कांस्टेबल की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। लड़ाई झगड़े के आरोपियों को जांच में रियायत देने के बदले मांगी थी 4,000 की रिश्वत। मामले पर अधिकारियों ने साधी चुप्पी। मुरैना में फ्रिज का कंप्रेसर फटने से मकान धराशायी। गृहस्थी का सामान जलकर खाक। दिमनी थाना क्षेत्र के नगरा रोड का मामला। खरगोन में नर्मदा नदी पुल से युवक ने लगाई छलांग। पत्नी और बेटे के सामने दी जान। शव को तलाशने में जुटी एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम। मुरैना में बिजली समस्या से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली महाप्रबंधक के ऑफिस का किया घेराव। ऑफिस का घेराव कर की तालेबंदी। अधिकारियों को जमकर सुनाई खरी खोटी। मंडला में भोजनालय में युवक से मारपीट मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। शाहपुरा दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। शुजालपुर विधानसभा के अकोदिया में मंडल सेक्टर के कार्यकर्ताओं की लेंगी बैठक। मुरैना में सड़क हादसे में 2 बौद्ध भिक्षुकों की मौत। NH44 पर गंगापुर हनुमान मंदिर के पास हादसा। कार में पीछे से भारी वाहन ने मारी थी टक्कर। बुरहानपुर के नेपानगर में वेतन नहीं मिलने से नगर पालिका कर्मचारी हुए लामबंद। नगर पालिका सीएमओ के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कर्मचारियों ने कहा 7 दिन के भीतर तनख्वाह नहीं मिली तो करेंगे हड़ताल। सतना में पत्नी को लाने ससुराल गए युवक की संदिग्ध मौत। ससुराल वालों पर युवक की हत्या का आरोप। कहा विताई के लिए बुलाया फिर हत्या कर दी। हरदा में फिल्म आदिपुरुष का जमकर विरोध। टिमरनी पहुंचे कांग्रेसियों ने फिल्म को लेकर विरोध जताया। टिमरनी के सिनेमाघर में लगे पोस्टर उतारे गए। दमोह गंगा जमुना स्कूल ग्रुप पर कई विभागों का डंडा। वन विभाग की जांच में ज्यादा तेंदुपत्ते के अवैध संग्रहण का खुलासा। अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश। सीएम हाउस घेराव मामले में बीजेवाईएम के 3 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। थाना प्रभारी पर हमला करने वाले पर मुकदमा दर्ज। घेराव में डीडी थाना प्रभारी कुमार गौरव हुए थे घायल। कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल। कार्यकर्ता ने विधायक को सुनाई खरी खोटी। कहा आपने अब तक कोई विकास का काम नहीं किया। अंबिकापुर के परसा गांव में हाथी के हमले में युवक की मौत। खेत जाने के दौरान 3 हाथियों ने युवक पर किया था जानलेवा हमला। मशहूर गायक मोहम्मद जाकिर हुसैन का निधन। बिलासपुर में वॉइस इंडिया फेम हुसैन ने ली अंतिम सांस। सूरजपुर में भूसा गोदाम में भीषण आग। बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड का कर्मचारी झुलसा। करंट की चपेट में आने से नगर सेना का जवान घायल। जगदलपुर में एक बार फिर से डेंगू की दस्तक। 8 मरीजों को कराया गया महारानी अस्पताल में भर्ती। वार्डों में सफाई को लेकर नगर निगम पर उठे सवाल। रायगढ़ में मारपीट और अपहरण की कोशिश मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। तीनों आरोपियों ने कार से की थी अपहरण की कोशिश। आरोपियों के पास से हथियार और कार जब्त। कांकेर में पुलिसकर्मी ने अनाथ लड़की से रचाई शादी। लड़की के बालिग होने के बाद कांस्टेबल ने लिए 7 फेरे। पुलिसकर्मी की पहल की हो रही तारीफ।
कवर्धा जिला भाजपा के दो दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिलाई सदस्यता। ग्राम कांपा और खैर बना के कार्यकर्ताओं ने दिया झटका। पिंडरा में हाथी के हमले में ग्रामीण घायल। घायल का मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। करीब एक महीने से मरवाही इलाके में घूम रहा है 5 हाथियों का दल।